अमरनाथ सरकार के मॉल में महिलाओं के लिए शराब के आउटलेट पर पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार किया है। मिश्रा ने कहा, पिछले कुछ महीनों से सरकार सिर्फ और सिर्फ शराब पर केंद्रित हो गई है। ये सरकार सलमान और जैकलीन के आसपास घूमती नजर आ रही है। देखिए ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में सरकार मॉल में आउटलेट्स से पहले शराब की प्रमुख दुकानों के साथ उप दुकान खोलने की बात कर रही थी और उसके बाद अब शॉपिंग मॉल में महिलाओं के लिए शराब के आउटलेट्स खोलने को लेकर भी विचार कर रही है। पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि ये सरकार सिर्फ शराब और शबाब पर केंद्रित हो गई है। ये सरकार सलमान और जैकलीन के आसपास घूमती नजर आ रही है। जैकलीन सरकार को चलाने के लिए जैक लगा रही हैं। आपके सवाल का जवाब मैं ये मुनासिब समझता हूँ कि पूरी सरकार शराब और शबाब पर केंद्रित हो गई है। कोई ना कोई चर्चा पिछले महीनों में या तो शराब की हो रही है या फिल्मी दुनिया और शबाब की हो रही है। कभी पिक्चरों के 5 करोड़ रुपए की टैक्स की छूट दी जा रही है, कभी सलमान खान और वो जैकलीन जी आ रही हैं, वो जैक लगा रही हैं सरकार को चलाने के लिए। वो जो आईफा अवार्ड है और उसके पहले इंदौर में वो आईटा हुआ, आईटा के बाद आईफा, आप देखिए इसी के केंद्र के आसपास घूम रही है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि किसान परेशान है और वो आत्महत्या कर रहा है, लेकिन सरकार ने गेहूं के रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया। वहीं नरोत्तम मिश्रा ने बैतूल की घटना को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा। कहीं भी आपको सरकार किसान के आसपास घूमती दिख रही हो तो बताओ, किसान परेशान है, किसान हैरान है, किसान आत्महत्या कर रहा है। अभी गेहूं के रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं लेकिन आधे रजिस्ट्रेशन भी नहीं कराए किसान ने। क्यों? क्योंकि पिछले साल का 160 रुपया जो बोनस की घोषणा की गई वो आज तक नहीं दिया। नया गेहूं आ रहा है, पिछला गेहूं घोषणा करके खरीद लिया, किसान ठगा महसूस कर रहा है, आत्महत्या को मजबूर, रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराए उसने। इस सरकार में अगर कोई परेशान है तो किसान है, HC और ST हैं, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग परेशान हैं। बिटिया आत्महत्या के पहले बैतूल की थाने में गई रिपोर्ट लिखाने, लेकिन रिपोर्ट नहीं लिखी गई, घर छोड़ा है उसको, आत्महत्या को प्रेरित करने का काम किया उस थाने ने। कुल मिलाकर पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ सरकार पर जमकर बयानों के प्रहार किए। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।